हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे ग्राफ्टिंग की कि ग्राफ्टिंग में क्या होता है। सी ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग पार्ट्स को हम लोग कंबाइन कर देते हैं इस तरह से कि वो एक ही पार्ट बन जाए, ठीक है, वो होता है ग्राफ्टिंग। और वी कैन से हम लोग लेते हैं एक प्लांट का हम लोग रूट सिस्टम ले लेते हैं और एक प्लांट का ले लेते हैं हम लोग शूट सिस्टम और उनको इस तरह से कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं कि वो दोनों क्या हो जाए, एक ही प्लांट। मतलब दो इंडिविजुअल हमने लिए हैं और उनको इस तरह से कंबाइन कर दिया कि वो एक ही आइडेंटिटी बन जाए, एक ही इंडिविजुअल बन जाए, ठीक है, वो क्या होता है ग्राफ्टिंग। अब जो हमने रूट सिस्टम लिया उसको हम लोग नाम देते हैं स्टॉक का। क्या नाम देते हैं हम लोग उसको? स्टॉक, जो हमने रूट सिस्टम लिया। और जो हमने शूट सिस्टम लिया उसको हम लोग नाम देते हैं श्योन, या वी कैन से ग्राफ्ट, ठीक है भाई। अच्छा, और हमने इनको कर दिया कंबाइन। जो हम रूट सिस्टम लेते हैं वो जनरली थोड़ा सा शूट सिस्टम से ज्यादा ओल्डर होना चाहिए और इसके अंदर ये होना चाहिए थोड़ा डिसीज रेजिस्टेंस और इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो मतलब अच्छे प्लांट की कैरेक्टर हो, तभी तो हमें एक अच्छा प्लांट मिलेगा। हम लोग क्यों कर रहे हैं आर्टिफिशियली, ताकि हमें अच्छे प्लांट्स की कैरेक्टर्स मिल पाए। तो हमने जो सिस्टम लेने हैं वो इस तरह के लेने हैं जिनकी जो पेरेंट हो, जो हम ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है। दीज आर ऑफ गुड क्वालिटीज, दिस शुड बी ऑफ गुड क्वालिटीज, ओके। अच्छा, अब इनको हम लोग कंबाइन इस तरह से करें कि इनका कैम्बियम ज्वाइन करें। अब ये कैम्बियम का नाम आप सुन रहे हो ना कि कैम्बियम ज्वाइन करना चाहिए, इसका मतलब कि जो ग्राफ्टिंग है वो सिर्फ हमारी डाइकोट्स के अंदर ही हो सकती है। मैंने अभी कहा ना कि ये जो सिस्टम है हमें इन दोनों को इस तरह से कंबाइन करना है कि इन दोनों का आपस में कैम्बियम ज्वाइन करे। तो कैम्बियम आप लोग 11th में आप लोग जानते होंगे कि कैम्बियम जो होता है वो तो सिर्फ हमारे किसके अंदर होता है, डाइकोट्स के अंदर होता है। मोनोकोट्स के अंदर तो कैम्बियम होता ही नहीं है, क्योंकि मोनोकोट्स के अंदर क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है। जबकि डाइकोट्स के अंदर क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, उनके अंदर ओपन वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो ग्राफ्टिंग है वो हमारी डाइकोट्स के अंदर सक्सेसफुल होती है, मोनोकोट्स के अंदर सक्सेसफुल नहीं होती। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हमें ग्राफ्टिंग जो होती है उसमें कैम्बियम का ज्वाइन होना जरूरी होता है, जो मोनोकोट्स के अंदर नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। हमारे डाइकोट्स के अंदर कैम्बियम होता है और इस वजह से हम ग्राफ्टिंग को डाइकोट्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, तो हम ग्राफ्टिंग को कर सकते हैं परफॉर्म आपकी पीच, प्लम, पियर, रबर प्लांट, पाइन, इनके अंदर हम लोग ग्राफ्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन। जैसे आपका ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन मैं टाइप बता रही हूँ वो और डिटेल में आपका 9th चैप्टर है, उसमें है टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर जिसको हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन का नाम देते हैं, वो हमारे 9th चैप्टर में थोड़ा सा और डिटेल है, क्योंकि उसमें हम लोग प्लांट की जो फूड रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, नाम से पता चल रहा है प्लांट टिश्यू कल्चर, मतलब प्लांट के टिश्यू का कल्चर करना, या फिर हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन, मतलब प्लांट के किसी माइक्रो पार्ट को हम लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो इसके नाम में इसका आंसर है, देख लो कि प्लांट के टिश्यू को कल्चर कर रहे हैं हम लोग, या फिर हम लोग किसी माइक्रो पार्ट को प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या ले लिया, प्लांट का या तो सेल्स ले लिए, या फिर हमने क्या ले लिया, टिश्यू ले लिया और उसको किसके अंदर डाल दिया, हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस टिश्यू पार्ट के अंदर हम लोग कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स डाल देंगे और कुछ टाइम के बाद क्या देखेंगे, इसमें फॉर्मेशन हो जाती है कैलस, कैलस की। अभी कैलस क्या होता है, कैलस का नाम भी आप लोगों को
पता होगा या नहीं भी सुन रखा होगा तो मैं बता देती हूँ. कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स. तो अनडिफरेंशिएटेड मतलब सेल का वो ग्रुप जो अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है. डिफरेंशिएट नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है कि अभी जो सेल्स का जो ग्रुप है उसमें से उन सेल्स को ये नहीं पता कि भाई कौन सी सेल रूट बनाएगी, कौन सी सेल शूट बनाएगी, कौन सी सेल फ्लावर बनाएगी, कौन सी सेल लीफ बनाएगी, कौन सी सेल क्या बनाएगी. अभी मतलब वो अनडिफरेंशिएटेड है. डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएट नहीं हुई, मतलब अभी वो शूट रूट का नहीं पता कि उनमें से कौन सी सेल क्या बनाने वाली है. तो कैलस बोलते हैं, कैलस नाम देते हैं उसको. ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो मास जो होता है अनडिफरेंशिएटेड का डिफरेंशिएट करने लग जाता है. मतलब अब उनमें से कुछ सेल्स शूट बना लेंगी, कुछ रूट बना लेंगी. ठीक है, तो अब हम उसको इजिली क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको इजिली यहाँ से रिमूव करके नर्सरी में ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन होता है वो ज्यादातर हम लोग जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं ना, जिनको हम लोग सजावट के लिए लगाते हैं, उनके लिए हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारी जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ना, वो हमारे जो कुछ पार्ट जैसे बल्ब्स, राइजोम्स, कॉम्स, ट्यूबर, इन पार्ट से भी हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर्टिफिशियली करा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं. उसके बाद फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलते हैं. ठीक है, तब तक के लिए आपका जो ये जो टॉपिक्स हो गए हैं वो आप प्लीज इन्हें एक बार रिवाइज कर लें, और इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बता देना. बहुत ही बेसिक टॉपिक चल रहा है ये, आप लोगों ने टेंथ में भी थोड़ा बहुत माइनर सा किया होगा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर में तो, लेकिन फिर भी इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने टेंथ तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है. अब थोड़ा सा ध्यान दे लेना क्योंकि अब थोड़ा सा बेस बनने वाला है.